तो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं GMC डोडा के नए कैंपस के बारे में एंड वहाँ का हॉस्टल कैसा है। रिसेंटली इस बैच में जो 2021 बैच था उसमें हॉस्टल शिफ्ट हो गया था ओल्ड कैंपस से नए कैंपस में, और वहाँ का अरेंजमेंट्स कैसे हैं, हॉस्टल का इंटीरियर कैसा है, मेस कैसी है, इस वीडियो में वो कवर करता हूँ। उसके अलावा कॉलेज के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वीडियो पहले देख लीजिए कैंपस के बारे में, और एंड में हम बात करते हैं वहाँ के मेस की और हॉस्टल की एंड साथ में कट ऑफ की। सो वीडियो एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम आ गए GMC डोडा का हॉस्टल टूर करवाने नए वाले एरिया का। मतलब काफ़ी सारा ऐसा लोग का डिमांड था कि रूम्स देखने थे, तो अभी हम आपको चलते अंदर दिखाते हैं हॉस्टल एंड कोशिश करेंगे हम आपको मैप का भी दिखाएं। एंड ये यहाँ का बाहर का एरिया। सो दिस इज द रूम जो कि सिंगल शेयरिंग रूम है। रूम में टेबल्स हैं, अलमीरा एंड बेड जो आपको मिलता है, साथ में विंडोज हैं यहाँ पे। और ये लगभग इट्स मतलब काफ़ी स्पेसेस रूम की अगर देखी जाए तो आई गेस कि इस बार नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए माइट बी इट वाइल बी अ ट्विन शेयरिंग रूम, क्योंकि ऐसा है कि हॉस्टल के भी सिंगल बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं, बाकी आपको आउटडोर दिखाते हैं एंड मेस का विजिट करवाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेस के अंदर, दिखाते हैं अंदर से मेस। काफ़ी प्यारी मेस है, मतलब अराउंड 50 to 70 स्टूडेंट बैठ सकते हैं यहाँ पे। सॉरी इग्नोर द साउंड इन द बैकग्राउंड। तो ये सब है यहाँ का मैस, यहाँ के सिटिंग एरिया। तो खाना इस अंदर बनता है इस रूम में, वहाँ से आके यहाँ से सर्व होता है एंड यहाँ पे ये लोग खाते हैं। अभी हम चलते हैं बाहर, बाकी अंदर से यहाँ पे लिफ्ट भी हॉस्टल में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपका फोर्थ फ्लोर पर रूम है तो लिफ्ट होगी। एंड अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हॉस्टल, इट्स लाइक दिस। अभी तो 21 बैच जो ऑलरेडी है वो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर, एंड बाकी सीनियर्स जो 20 बैच है दैट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर आई गेस। यहाँ तक कॉरिडोर काफ़ी लंबा है तो मैं हर रूम तो जाके नहीं दिखा सकता, एक रूम मैंने दिखा दिया आपको। ऑलमोस्ट हर एक रूम का वही अरेंजमेंट है। दे हैव ऑल्सो कोल्ड वाटर आई मीन फॉर देम, एंड वॉशरूम्स कॉमन है जहाँ तक मुझे पता है, वॉशरूम्स अटैच नहीं है। अभी हम दिखाते हैं आपको कैंपस का अंदर से व्यू, जो कि ऑलमोस्ट अभी तक बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिन लोग ने आपको रियलिटी में कैंपस दिखाया होगा अंदर से। अभी तो यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आज तो संडे बट ऐसे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कैंपस तो अभी ऑलमोस्ट एक डिपार्टमेंट कम्प्लीट है, ये वाली साइड थोड़ी सी रह गई है बट इट इज़ गुड। तब अगर देखा जाए कैंपस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई मीन ये कॉलेज वाला ब्लॉक। अभी हम लेके चलते हैं कैंटीन, दिखाते हैं आपको कैंटीन है यहाँ पे, एंड और भी कुछ अगर होगा तो आई विल शो। एक्चुअली आज संडे है तो लैब इज़ क्लोज्ड बट आई कैन शो यू फ्रॉम द आउटसाइड, एक सेकेंड। यस द लैब इज़ गुड आई गेस, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 50 to 70 स्टूडेंट्स। ये है DH, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। अनफॉर्चुनेटली बाकी मैं डिपार्टमेंट्स नहीं दिखा सकता क्योंकि संडे की वजह से सब बंद है। बाकी ऑलमोस्ट दिस इज टेक द रफली आइडिया, एंड जब तक नया बैच आएगा आई गेस बहुत सी चीज़ें सुधर जाएंगी बिकॉज अभी थोड़ी गंद हो रखी है यहाँ पे। बाकी दिस इज़ द एरिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एनी फर्दर क्वेरी काइंडली टेक्स्ट मी, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा होगा, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अपनी जो भी क्वेरी है सॉल्व कर दीजिए। दिस इज़ द कैंटीन एंड यहाँ पे हमारे भाई गए हैं कुछ जूस वगैरह लाने। सिटिंग एरिया कैंटीन इज़ लाइक नॉर्मल अभी, क्योंकि एक ही बैच दो बैच चल रहे हैं तो उतना शोर रश नहीं होता, बट आई गेस सून द कैंपस विल बी वेरी गुड। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, आई गेस अगर कोई अथॉरिटी देख रही हो तो दे शुड लुक इन टू इट, बिकॉज ऐसा है कि आई पर्सनली फेल्ट कि काम जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है, क्योंकि कैंपस इज़ वेरी गुड बट वो ये थोड़ी मैनेजमेंट की दिक्कत है। अभी कैंटीन आए थे तो सोचा कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ का ब्रेड पकौड़ा
ये पैरामेडिकल स्टाफ की कुछ बिल्डिंग्स हैं एंड ये है गर्ल्स हॉस्टल। ऑब्वियस ही बात है, हमें अंदर तो एंट्री अलाउड नहीं होगी और ना हम जाने वाले हैं, तो बाकी अंदर से आएंगे सारा सेम है। सो दैट्स ऑल द कैंपस टूर। आपको अगर कुछ फर्दर जानना हो तो मैंने पहले भी एक व्लॉग कर रखा हुआ है, मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। फिर भी फर्दर क्वेरीज हैं तो डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो ये था सारा कैंपस जो मैंने वीडियो में दिखाया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक पड़ा है, वो चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, 2022 का कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारा डाउट चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि पेपर की अगर बात करें तो इट वॉज स्लाइटली ऐसा था कि थोड़ा सा कट ऑफ में मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है। सो टू फॉर ओपन मैरिड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर बॉयज़ आई थिंक 575 विल बी अ गुड स्कोर फॉर GMC डोडा, एंड बाकी कैटेगरीज़ का इट में फ्लक्चुएट, उसके लिए एग्जैक्ट फिगर्स कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कैटेगरीज़ का बाकी ऐसा रहता है कि काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बट फॉर जनरल कैटेगरी आई गेस 575 विल बी अ गुड स्कोर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स की बात करें एंड फीस की बात करें, वो मैंने ऑलरेडी मैंशन कर रखा है अपने पहले वीडियोज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उसके अलावा मैथ्स की जो फीस है दैट वॉज अराउंड 3000 फॉर द फर्स्ट बैच, दैट वॉज इन 2020, एंड इस बैच में इट इज़ अराउंड 4000। सो प्रोबेबली इट विल बी सेम और अ लिटल बिट स्पाइक अप हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो डू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, टेक्स्ट मी देयर, कम्युनिकेट विद मी। अगर कोई भी डाउट पूछना होगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।